दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पेज पर जो है एडमिन कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग चाहते हो अपने फेसबुक पेज के लिए किसी को जो एडमिन है यहाँ से भी आप लोग एडमिन बना सकते हो। अब दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इन दोनों में क्या है कि अगर आप लोग जो है पहले वाले ऑप्शन मतलब यहाँ से एडमिन बनाओगे तो आप लोग जो है जिसको भी एडमिन बनाओगे उसको आप लोग पूरा एक्सेस दे सकते हो अपने फेसबुक पेज का, मतलब वो जो भी चाहे वो कर सकता है आपके फेसबुक पेज पर। मतलब आप लोग एक तरह से बोल सकते हो कि आप लोग उसको पूरी पावर दे दोगी अगर आप लोग यहाँ से उसको एडमिन बनाओगे तो आप लोग यहाँ से पूरी पावर दे सकते हो। और अगर आपको पूरी पावर नहीं देनी तो आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ से आप लोग एडमिन बना सकते हो। तो मुझे तो जो है पूरी पावर देनी है मेरे एडमिन को, तो मुझे क्या करना है जो पहले वाला ऑप्शन है दोस्तों एडमिन का यहाँ पर ऊपर वाला, तो इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, यहाँ से आप लोग जो है जिसको भी एडमिन बनाना चाहते हो अपनी फेसबुक पेज का उसका आईडी यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी खुद की एक जो है सेकंड आईडी सर्च कर लेता हूँ। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर जो है सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दबंग प्रजापति, ये मेरी सेकंड आईडी है दोस्तों ये वाली। तो मैं इसको जो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपसे आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर आप लोग जो है आप लोग जिसको भी एडमिन बनाओगे वो क्या क्या कर सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है अपने आपके फेसबुक पेज पर, वो मैसेज कर सकता है आपके फेसबुक पेज में, वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, वो आपके जो है फेसबुक पेज पर ऐड चला सकता है, या फिर जो है आपके फेसबुक पेज का जो एनालिटिक्स है उसको चेक कर सकता है। ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग उसको पूरा कंट्रोल देना चाहते हो आपको आपके फेसबुक पेज का, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो सेटिंग है इसको ऑन कर देना है। उसके बाद गिव एक्सेस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके फेसबुक पेज का पासवर्ड डालना है। फेसबुक पेज का पासवर्ड दोस्तों वही होता है जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल का है, फेसबुक आईडी का है। तो यहाँ पर आपको आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एडमिन आपने जिसको बनाया था वो यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा एडमिन यहाँ पर जो है ऐड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नीचे वाला तो मैं हूँ, मैं इस पेज का एक्सेस, और ऊपर वाला जो है ये मेरा एडमिन है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जिसको भी एडमिन बनाया उसके पास एक इनविटेशन लिंक जाएगा, और वो जैसे उस लिंक पर क्लिक करके आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा वो आपके फेसबुक पेज का एडमिन बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग फेसबुक पेज पर जो है किसी को भी एडमिन बना सकते हो, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है फेसबुक पेज पर किसी को भी एडमिन बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के